हाय हेलो दोस्तों, बॉलीवुड न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, तुम्हारा दोस्त फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज के साथ। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले रेमो डिसूजा को दिल का दौरा पड़ गया था और उनको कोपिला बेन अस्पताल में एडमिट किया गया था। तो अब उनकी तबीयत ठीक हो गई है और उनको अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम में उनकी बीवी जो उनकी वाइफ है लेजले, उन्होंने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट किया है और उसमें वह रेमो डिसूजा को गले लगाते हुए दिख रही है, जो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, उन्होंने लिखा है कि मैं कोकीना बहन के जितने भी डॉक्टर है, स्टाफ है और पर्सनली सलमान खान को बहुत मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, उन्होंने हर मोड़ पे हमारी सहायता की है। दोस्तों, यह वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि सलमान खान की बुराई के बारे में सब दिखाते हैं लेकिन उनकी अच्छाई के बारे में कोई नहीं दिखाता। तो दोस्तों, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, उनकी वाइफ जो है लेजले, उन्होंने लिखा है कि सलमान खान हर मौत में हमारी सहायता कर रहे थे और वह एक फरिश्ते की तरह है। तो दोस्तों, सलमान खान के बारे में कई बार पहले भी कईयों ने इस बारे में कमेंट किया है, वह हर किसी की हेल्प करने में आगे रहते हैं। दोस्तों, रेमो डिसूजा जो है अब वह ठीक हो चुके हैं और अब वह फिर दोबारा से अपने काम पर लौट आएंगे। तो दोस्तों, यही हमारी दुआ थी कि रेमो डिसूजा जल्दी ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो। तो दोस्तों, सलमान खान की जो फिल्म है रेस 3, उसके भी डायरेक्टर रेमो डिसूजा ही थे। तो दोस्तों, यही मेरे पे लेटेस्ट न्यूज थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। प्लीज अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मैं फिर मिलता हूँ बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज के साथ।